अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमसन प्रिपरेशन में मैं एक बार फिर आप लोगों को वेलकम करता हूं। वन पेपर प्रिपरेशन के हवाले से केमसन आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर होगा, स्पोर्ट्स के बारे में होगा, पाकिस्तान के बारे में होगा, अदर कंट्रीज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में होगा, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी एट्सेट्रा, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उनके उन कंटेंट्स के बारे में वीडियोस, देन एमसीक्यूज की वीडियोस भी अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। और आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जीसीसी, वन पेपर प्रिपरेशन के हवाले से, जिसमें जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेक्चरार के पेपर में भी जो 20 मार्क्स का पेपर होता है, इन 20 मार्क्स का जो पोर्शन होता है जीके के हवाले से, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो से भी आप लोग गल्फ कंट्रीज़ के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के हवाले से अगर कोई एमसीक्यू आ जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस है जो कि 6 मिडल ईस्ट कंट्रीज से रिलेटेड है, यानी मशरक़ वस्ता के जो 6 कंट्रीज़ हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब इमारात, कतर, बहरीन और ओमान, ये जो 6 कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ ने ना मिलके एक अलायंस बनाया हुआ है जो कि इन कंट्रीज से इनका डिफेंस है, इनका पॉलिटिकल है, इनके इकोनॉमिक है, इन 3 बेसिक ग्राउंड्स पे ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, अपने डिफेंस से रिलेटेड, अपने इकोनॉमिक, ताकि वो कोई भी किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश होता है पॉलिटिकल के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से, तो ये 6 कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ फुली कोऑपरेट करते हैं। और इस जीसीसी की एक बहुत बड़ी वर्थ भी है, ठीक है। अगली स्लाइड पर देखते हैं गल्फ कंट्रीज़ क्या हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो कि गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि गल्फ कंट्रीज़ क्या हैं। गल्फ कंट्रीज़ आर बिकॉज दे लाई ऑन बॉर्डर ऑफ पर्शियन गल्फ, यानी पर्शियन फ़ारस कहते हैं फारसी के बोलने वाले को, और उनकी एक अलग लैंडमार्क है जिसे ईरान, जो कि कंट्री है, जो कि पाकिस्तान के जनूब में है, बेसिकली देखें ना, जनूब से थोड़ा सा मगरिब की तरफ है, मगरिब और जनूब के जो दरमियानी पट्टी है, ठीक है, यहाँ पे इससे यानी गेटवे है जो कि ईरान की तरफ है, क्योंकि बिल्कुल जनूब की तरफ तो पाकिस्तान के अरेबियन सी है, और मगरिब की तरफ आ जाता है अफगानिस्तान, जो दरमियान का रास्ता है, जो दरमियान की गेटवे है, वो पर्शियन ईरान की तरफ जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बता रहा था कि गल्फ कंट्रीज़ क्या हैं। तो गल्फ कंट्रीज़ से पहले ये जान लें कि गल्फ क्या है। गल्फ कहते हैं खलीज को, खलीज, जैसे आप लोगों ने अपने मैट्रिक, इंटर, बैचलर की पाक स्टडी में कई जगहों पे पढ़ा होगा खलीज फ़ारस। गल्फ इज़ अ पोर्शन ऑफ द ओशन दैट पेनीट्रेट्स लैंड, यानी ये समंदर का जो रास्ता है, समंदर है जो कि लैंड की तरफ एंटर हो गया, ठीक है, और फिर उसके साथ साथ जो कंट्रीज हैं, एक दूसरे के साथ लगते हुए कंट्रीज हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गल्फ कंट्रीज कहते हैं। गल्फ क्या है? अ पोर्शन ऑफ ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड। गल्फ वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप, डेप्थ, दे आर जनरली लार्ज एंड मोर डीपली इंटेंडेड देन बेस, दे ऑफन मेक एक्सीलेंट हार्बर, मैनी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर आर लोकेटेड ऑन गल्फ। अब गल्फ को ना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे है ये गल्फ? क्योंकि देखें, इनके साथ ना समंदर है जो कि ट्रेडिंग गेटवे है, ट्रेड करने के हवाले से, शिप्स की जो कार्गो शिप्स है उनकी जो मूवमेंट है वो कंट्रीज के बिल्कुल करीब होती है, और दूसरा फिर इन कंट्रीज को ना आपस में खासतौर पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो ट्रेड करते हैं उसके ऊपर खर्चा भी कम आता है, जो मूवमेंट है वो कम करना पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये बेसिकली पर्शियन गल्फ के कंट्रीज का अलायंस है,
कौन से, पर्शियन गल्फ कंट्रीज का ये अलाइंस है, जिसमें वो पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया पॉलिटिकल बैरियर है, पॉलिटिकल वे है, पॉलिटिकल पॉइंट से, पॉलिटिकल पॉइंट के हवाले से, इकोनॉमिक पॉइंट के हवाले से और डिफेंस के हवाले से ये कंट्रीज, ये जो छह कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ बहुत तआवुन करते हैं और एक दूसरे के जो भी उनके ट्रेड है उनको साथ लेके चलते हैं। गल्फ कंट्रीज में बेसिकली 7 कंट्रीज आती हैं जिनमें बहरीन है, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये पर्शियन गल्फ के कंट्रीज हैं, लेकिन इनमें से जो इराक है मुख्तलिफ पॉलिटिकल इनमें बैरियर है जिसकी वजह से इराक इस GCC काउंसिल का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इसका जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ गल्फ कंट्रीज। ये सामने देखें आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इसमें जो रेड सी है, ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ है, और इस तरफ आप लोगों को नजर आ रहा है ये इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन के सामने देखें आप लोगों को कंट्री नजर आ रहा है ओमान, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, ठीक है। जिस तरफ ये ओमान है, अबू धाबी है, मस्कत है, उस तरफ इसी इंडियन ओशन का ही एक पोर्शन है ये, जो आप लोगों को जहाँ पे ओमान कंट्री नज़र आ रहा है उसके साथ आप लोगों को जो स्काई ब्लू यानी वाटर नज़र आ रहा है ये समंदर है, ये है अरेबियन सी। उसी अरेबियन सी का पोर्शन आगे की तरफ उसी अरेबियन सी ने अपनी मूवमेंट की है लैंड की तरफ, अबू धाबी है, कतर है, कुवैत है, इस तरफ जो कि पर्शियन गल्फ का एरिया है, और पर्शियन गल्फ में जितने भी ये कंट्रीज हैं, ठीक है, पर्शियन के जितने भी कंट्रीज हैं पर्शियन गल्फ के जो मैंने आप लोगों को बताया वो 6 कंट्री है, और इन्हीं 6 कंट्रीज की एक अपनी कॉपरेशन है। इसके बारे में देख लेते हैं, द कॉपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ आल्सो नोन एज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पोलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन कंप्राइजिंग बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये देखें आप लोगों को जैसे स्क्रीन पे इनका जियोग्राफिकल लोकेशन नज़र आ रही है। अब देखें जैसे सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, अबू धाबी है, ओमान, UAE, ओमान, देखें ये जो कंट्रीज हैं आप लोगों को पता है कि ये ऑयल के हवाले से, गैस के हवाले से ये दुनिया के अंदर बड़े एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, और ये फिर क्या करते हैं इसी समंदर के रास्ते में पर्शियन गल्फ का जो यहाँ पे जो पाथवे है इसी के ज़रिए ये अदर कंट्रीज़ के साथ अपनी ट्रेड भी करते हैं और एक दूसरे के साथ भी ट्रेड करते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल करीब करीब कंट्रीज़ हैं और ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं अपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के हवाले से हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है, मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रेड करते हैं। अब जैसे आप लोगों को पता है सऊदी अरेबिया से है, यहाँ से डेट्स हैं, ठीक है, ओलिव ऑयल है जो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन पाकिस्तान टू गल्फ कंट्रीज, यहाँ से मैं आप लोगों को इस स्लाइड में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं पाकिस्तान के किस तरफ है। अब ये देखें जैसे कंपास आप लोगों को नज़र आ रहा है थोड़ा सा कि पाकिस्तान के बिल्कुल इसी कंपास को आप लोग इस पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें और फिर इसकी लोकेशन देखें कि पाकिस्तान के बिल्कुल साउथ की जानिब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे कराची देखें, कराची के साथ ये जो आप लोगों को बिल्कुल वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये अरेबियन सी है। इसी अरेबियन सी का पोर्शन किस तरफ चला गया, मस्कत, UAE, उसके बाद कतर है, बहरीन है, कुवैत है, यानी ये खलीज बनी हुई है इसकी, ठीक है, कि वाटर है जो ओशन है या सी है पेनिट्रेट हुआ है वो लैंड मार्क की तरफ। अब पाकिस्तान के बिल्कुल वेस्ट की जानेब पाकिस्तान के मगरब में अफगानिस्तान है, अब यहाँ पे जनूब और मगरब की तरफ ईरान है, और फिर ईरान के बिल्कुल जनूब मगरब की तरफ इराक है, और फिर ईरान के जनूब की तरफ यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कुवैत है, बहरीन है, कतर है, अब UAE है, मस्कत है यानी ओमान, और साथ ही सऊदी अरेबिया है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस ऑफ सिक्स मिडल ईस्ट कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरात, कतर, बहरीन, ओमान। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक तो ये छह मुल्क आपस में कॉपरेशन करते हैं हर हवाले से, अपनी खास तौर पे ट्रेड के हवाले से। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि जब एक किसी भी यानी कि जो इकोनॉमिक पावर है, ठीक है, इकोनॉमिकली ये स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, तो जब ये आपस में अलायंस इन्होंने किया तो अदर कंट्रीज, अदर वर्ल्ड को मैसेज भी जाता है कि अपने के ये मुल्क अकेले नहीं है, एक तो पहली बात है। और आप लोगों को ये भी पता है कि सारे ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर ये छः कंट्रीज मजीद अपने इस जी सी सी को मज़ीद आगे स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसको लेके चलते हैं, तो IMF का जो होल्ड है अदर मुस्लिम कंट्रीज पे वो ना होने के बराबर हो जाएगा। GCC वाज एस्टेब्लिश्ड इन रियाद, सऊदी अरेबिया इन 1981 में GCC सऊदी अरेबिया रियाद में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, इसका क्या सामने आया। अब इसका पर्पस क्या है, कहता है पर्पस ऑफ GCC इज टू अचीव यूनिटी अमंग इट्स मेंबर बेस्ड ऑन देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड देयर सिमिलर पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज विच आर रूटेड इन अरब एंड इस्लामिक कल्चर। प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल रोटेट्स एनुअली, हर साल हर इन छह कंट्रीज के पास इस GCC की प्रेसिडेंसी मूव करती है। अब आप लोगों ने देखा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके पर्पस क्या है। एक तो अपना जो कल्चर है, इस्लामिक कल्चर है, उसको बचा के रखना है और आगे उसको प्रमोट भी करना है, ठीक है। अब हर कंट्रीज की अपना अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन जब वो इस एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो अपने उस अपने अपने कंट्रीज के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करते हैं और एक कॉमन वे को लेके आगे चलते हैं, जिससे फिर इन छह कंट्रीज की एक आइडेंटिटी पूरी वर्ल्ड के सामने आती है। आर्ग्यूएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ GCC चार्टर इज आर्टिकल 4 विच स्टेट्स दैट अलायंस वाज फॉर्म्ड टू स्ट्रेंथन रिलेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज एंड टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज सिटीजन। GCC agreements typically focus on either security or economic coordination. आप लोगों को भी पता है कि इस वक्त मॉडर्न एज में इस वक्त कोई भी कंट्री है GCC से के अलाइंस से हटके, कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री के दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस कंट्री की सिक्योरिटी और इस कंट्री का इकोनॉमिक। अब देखें, अब जैसे अब कहें ना, पहले जैसे जंगें होती थी, अब उस तरह का सिनेरियो नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ी वार क्या है, इकोनॉमिक वार है, कि जो कंट्री इकोनॉमिकली मजबूत है उसका अदर कंट्रीज के ऊपर भी होल्ड है, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी उसका होल्ड है, ठीक है। अब GCC का जो अलायंस है इन छह कंट्रीज का, उनके इस अलायंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो इन कंट्रीज की सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन है। In terms of security coordination, policies have included the creation of Peninsula Shield Force in 1984, the joint military venture based in Saudi Arabia, and the signing of an intelligence sharing pact in 2004. The first significant deployment of Peninsula Shield Force (PSF) was in 2011 in Bahrain to guard government infrastructure against an uprising there during the Arab Spring protest. In 1984, the Gulf Cooperation Council decided to create a joint military force of 10,000 soldiers divided into two brigades called the Peninsula Shield Force based in Saudi Arabia near the Kuwait and Iraq border. The PSF is composed of infantry, armor, artillery, and combat support element from each of GCC countries. Yani inhone 1984 mein PSF force ke hawale se inhone ek joint military venture ab tashkeel diya, ताकि किसी भी कंट्री को किसी भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का सामना आता है या दो किसी और कंट्री के साथ उनके उनका क्लैश सामने आता है तो ये फोर्स उनको सपोर्ट करेगी।
अब दूसरा बड़ा जो जीसीसी कोऑपरेशन का पहलू है वो है इनके इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन इंक्लूडेड अटेम्प्ट्स टू इकोनॉमिक यूनियन थ्रू इंटीग्रेटिव एग्रीमेंट्स वर ऑफन लैक लस्टर इन कंपैरिजन विद पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। एन एग्रीमेंट टू लॉन्च अ सिंगल रीजनल करेंसी सिमिलर टू द यूरो बाय 2010 सॉ लिटिल मूवमेंट अपार्ट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मॉनेटरी काउंसिल इन 2009, coordination in tax policy proved fruitful. However, a custom union was implanted in 2015 and the member state began rolling out a valuable air tax of 5% in 2018. Saudi Arabia and the United Arab Emirates have tended to lead policy coordination. अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन के हवाले से कि इन छह कंट्रीज ने एग्रीमेंट्स किए, अपनी पॉलिसी को तश्कील दिया, इकोनॉमिक यूनियन बनाएगी ताकि वो भी एक एक रीजनल करेंसी, एक सिंगल रीजनल करेंसी लेके आए जो अपने छह ममालिक में है। कि ठीक है, वो जो छह कंट्रीज हैं आपस में ट्रेड करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अपनी ही एक सिंगल करेंसी जैसे यूरो है, ताकि वो अपने इस ट्रेड को ज़्यादा प्रोमोट कर सके। और जो भी वैल्यूएबल टैक्स है एक खास परसेंटेज तक उसको भी वो लागू कर सकें ताकि वो अपने इन कंट्रीज को प्रमोट कर सके। यहाँ पे इस स्लाइड में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि पीएसएफ का जो बैकग्राउंड है वो क्यों तश्कील दी गई और फिर आगे उसका यूज़ कैसे किया गया। दे वर द फर्स्ट कंट्रीज टू सेंड ट्रूप्स टू बहरीन in 2011 and first countries to levy the valuable value added tax. While membership of GCC remained consistent throughout its first several decades, change in regional relationships sometimes led to speculation on changes in membership. Expansion appeared possible when the interest of Gulf countries aligned with those of other Arab states, Jordan and Morocco, two other Arab monarchies were invited to join the GCC in 2011. In the midst of Arab Spring uprising, Morocco declined, while Jordan application remained delayed because of internal GCC disagreement. अब GCC का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। कि GCC के छह ब्रांचेज हैं that carry out various tasks from the preparation of meeting to the implementations of policies. Supreme Council जो कि इस cooperation की जो main leading council है, this is a top decision making group that meets one a year and is made up of GCC heads of state. अब इसमें क्या है कि छह हेड, इस छह स्टेट्स के जो हेड हैं वो साल में एक बार मिलके डिसीजंस मेकिंग करते हैं कि फ्यूचर पर्पस के लिए। फॉर इम्पोर्टेंट मैटर डिसीजन टेकन मस्ट बी एनएमएस मिनिस्ट्रियल काउंसिल, दिस इज फॉर्म्ड फॉर फॉरेन मिनिस्टर। अब ये किसका है, वजारत खारजा की है। एंड अदर मिनिस्टर हु मीट एवरी थ्री मंथ टू पर्पस पॉलिसीज एंड एक्सक्यूट डिसीजन। थर्ड नंबर पे जो ब्रांच आती है वो इनकी सेक्रेटेरिएट्स जनरल है। दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी दैट ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड ऑब्जर्व द इनएक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज के उन पॉलिसीज को कैसे आगे लेके चलना है। उनकी ये तमाम हर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से उनको ये ऑब्जर्व भी करते हैं। कंसल्टेटिव कमीशन द एडवाइजेज ऑफ द सुप्रीम काउंसिल एंड इज कम्पोज ऑफ फाइव रिप्रेजेंटेटिव फ्राम ईच मेंबर स्टेट। कमीशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, दिस इज फॉर्म टू लुक फॉर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम अमंग दीज मेंबर स्टेट। अब जो फिफ्थ नंबर पर जो ब्रांच है कमीशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि इन छह कंट्रीज के दरमियान किसी भी पॉइंट के हवाले से कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी किसी हवाले से भी कोई इशू है, उसको इस ब्रांच ने रिजॉल्व करना है। लास्ट पे आता है सेक्रेटरी जनरल, दिस इज अपॉइंटेड बाय सुप्रीम काउंसिल फॉर थ्री ईयर, द टर्म कैन बी रिन्यूड ओनली वंस, द करंट रोल हैज़ बीन फिल्ड सिंस 2011 बाय अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल नेहान, रिटायर्ड बहरीनी लेफ्टिनेंट जनरल।
अब सेक्रेटरी जनरल था, ये जो छह इसके ब्रांचेस हैं, सुप्रीम काउंसिल, मिनिस्ट्रियल काउंसिल, सेक्रेटरियट जनरल, कंसल्टेटिव कमीशन, कमीशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, एंड सिक्स नंबर पे आता है सेक्रेटरी जनरल। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इकोनॉमी ऑफ जीसीसी के इन छह कंट्रीज की, जो ये कोऑपरेशन काउंसिल है एक दूसरे को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कैसे कोऑपरेट कर रही है। टुगेदर द जीसी कंट्रीज पोजेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। अब देखिए पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा जो ऑयल के रिजर्व है वो इन छह कंट्रीज के पास है, तो क्यों ना छह कंट्रीज अपने अपने काउंसिल को प्रमोट करें अदर मुस्लिम कंट्रीज को, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इनका एक होल्ड है, ठीक है, और जो अदर मुस्लिम कंट्रीज़ के मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने में ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हाउएवर अ स्विफ्ट डिप्लीशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व कपल्ड विद पॉपुलेशन इंक्रीज इन मैनी जीसीसी कंट्रीज इन द लास्ट डिकेड हैज रिजल्टेड इन अटेम्प्ट्स टू एक्सपेंड बियॉन्ड द एनर्जी सेक्टर इनटू अदर फील्ड सच एज टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंस। कि देखिए पहले इन छह कंट्रीज का जो कि इकोनॉमी का मेन जो पाथवे था, जो जरिया था, वो ऑयल गैस था, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के नतीजे में इन छह कंट्रीज ने अदर फील्ड के अंदर अपना अटेम्प्ट्स कर रहे हैं कि वहाँ से भी हम लोग अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना सकते हैं, टूरिज्म के हवाले से, कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से। द इंटरनेशनल मोनेट्री फंड IMF हैज़ प्रोजेक्टेड अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ आउटलुक इन 2018 ऑल्दो लो ऑयल प्राइस वर एक्सपेक्टेड इन टू कंट्रीज हैम्पर द गल्फ स्टेट GDP ग्रोथ अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश दिस ईयर बाई द वर्ल्ड बैंक। Bahrain is the most vulnerable GCC country due to low oil price, limited saving and high debt level. In 2009, a monetary council was established to take the necessary measure for issuing a single currency. But this was dropped after the UAE pulled out and Oman state it did not want to be part of it. तो इनके पर्सनल्स के जो डिस्प्यूट से जिसकी वजह से जो सिंगल करेंसी का जो इनका एम था वो ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स ये कुछ स्लाइड्स थी, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था जीसीसी के हवाले से, जिसमें पॉइंट्स देखे आप लोगों ने कि कैसे सात गल्फ कंट्रीज है, ईरान उसमें शामिल नहीं है, जो कि इनका पॉलिटिकल और रिलीजियस के हवाले से भी है इशू। जीसीसी कंट्रीज जो कि हाफ ऑफ द रिजर्वायर इनके पास हैं ऑयल के, गैस के, जिनको ये पूरी दुनिया के अंदर आगे उनको सेल आउट भी कर रहे हैं, लेकिन छह कंट्रीज़ का जो होल्ड है वो खासा को देखने में नहीं नज़र आता हमें। अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कश्मीर है, फलस्तीन है, सीरिया, शाम है, इराक है, इनके डिस्प्यूट, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं अदर कंट्रीज़ के साथ उनको रिजॉल्व करने में ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ना जीसीसी के बारे में गूगल से भी पढ़ेंगे, इनकी मालूमात अपने की नोट्स बनाएंगे, कहीं पे जो भी मालूमात आप लोगों को मिलती है या इनसे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ चंद बातें शेयर की हैं, कहीं पे कोई आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, कोई पॉइंट इन्फॉर्मेशन आती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक भी दीजिएगा और अपने पॉइंट्स भी शेयर कीजिएगा। इसको आप लोग जनरल नॉलेज के हवाले से आप लोग इसको देख सकती हैं, वन पेपर प्रिपरेशन के हवाले से है, और आप लोग अपनी लेक्चर बॉटनी, बायोलॉजी, जोलॉजी की प्रिपरेशन के हवाले से इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।